इस वीडियो में लवगुणक के बारे में जानेंगे, लवगुणक क्या होती है और इनके प्रॉपर्टी और इनके कुछ परिस्थितियाँ भी है उनको भी जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लघुगणक, इसका इंग्लिश होता है लॉगरिथम। लघुगणक का खोज स्कॉटलैंड के गणितज्ञ जॉन पीरे ने की थी। जॉन पीरे ने खेती उन्होंने लघुगणक को प्राकृतिक लघुगणक मानकर आधार ई लिया था, जिसका मान 2.74 डॉट डॉट होता है। अब आते हैं, अब जानते हैं लघुगणक का उपयोग। लघुगणक का उपयोग कठिन गणनाओं को सरल करने के लिए किया जाता है और इसमें कुछ घातांक के भी नियम उपयोग होता है। फिलहाल हम इसके परिभाषा जानते हैं, तो चलिए परिभाषा को जानते हैं। तीन संख्या है ए एक्स और एन, इस प्रकार हो, ऐसी हो, ऐसी हो कि ए के पावर एक्स बराबर एन। तो देखिए यहीं से परिभाषा निकलेगा, तीन संख्या ए एक्स और एन ऐसी हो कि ए के पावर एक्स बराबर एन, तो घातांक एक्स आधार ए पर, घातांक एक्स आधार ए पर एन का लघुगणक कहलाती है। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स बराबर लॉग बेस ए ऑफ एन। इसको हम पढ़ते हैं, अब सबसे पहले हिंदी में पढ़ते हैं, एक्स बराबर आधार ए पर एन का लघुगणक, एक्स बराबर आधार ए पर एन का लघुगणक। इसको इंग्लिश में कैसे पढ़ेंगे, एक्स इज इक्वल टू लॉग बेस ए ऑफ एन। इसको इसका मतलब ये हुआ कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। इसका हम प्रूफ देते हैं, इसका प्रूफ लघुगणक प्रॉपर्टीज होगा, फिर भी हम देते हैं। ए के पावर एक्स इज इक्वल टू एन, दोनों तरफ लॉग लेने पर, लॉग लेते हैं दोनों तरफ, लॉग ए के पावर एक्स टू लॉग एन। देखिए लॉगरिथमिक एक प्रॉपर्टी होता है, लॉग अगर लॉग एम के पावर एन हो तो इसे एन लॉग एम लिखा जा सकता है, मतलब जो पावर पर है उसे बाहर ला देते हैं। तो इसके पावर पर एक्स है तो इसको बाहर लाते हैं, एक्स लॉग ए इज इक्वल टू लॉग एन, एक्स बराबर ये गुना में इसको भाग में लाते हैं, लॉग एन बटा में लॉग ए। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, लॉग ए आधार में है तो इसको आधार में कर देंगे, लॉग बेस ए ऑफ एन, मतलब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। चलिए अब लघुगणक के कुछ परिस्थितियों को जानते हैं, इसको बिठा देते हैं। वन में कहता है कि एक परिमित आधार वाले एक का लघुगणक, एक परिमित आधार वाले एक का लघुगणक सदैव शून्य होता है, एक परिमित आधार वाले एक का लघुगणक सदैव शून्य होता है। इसका जैसे हम इसको लिखते हैं, जैसे कि लॉग लॉग बेस फाइव ऑफ वन, तो इसका मान जीरो हो जाएगा, लॉग बेस टेन ऑफ वन तो इसका मान भी जीरो हो जाएगा, लॉग बेस 2022 ऑफ वन तो इसका मान भी जीरो, मतलब कि लॉग कुछ भी यहाँ पर कुछ भी हो, कुछ भी ऑफ में वन दे देगा, इसका मान जीरो हो जाएगा। अब परिस्थिति दो में आते हैं,
स्थिति दो कहता है किसी संख्या का उसी आधार पर लघुगणक, किसी संख्या ए का उसी आधार ए पर लघुगणक सदैव एक होता है। जैसे इसको एग्जांपल के तौर पर समझते हैं, जैसे देखें लॉग बेस फाइव ऑफ फाइव इज इक्वल टू वन, लॉग बेस टेन ऑफ टेन इज इक्वल टू वन, लॉग बेस 2020 ऑफ 2020 इसका मान भी वन, मतलब कि किसी संख्या का उसी संख्या उसी आधार पर लघुगणक सदैव एक होता है। अब परिस्थिति तीन क्या कहता है, एक बड़ी आधार x वाले शून्य का लघुगणक, एक बड़ी आधार x वाले शून्य का लघुगणक ऋणात्मक एवं अपरिभाषित होता है, ऋणात्मक और अपरिभाषित। एक बड़ी आधार वाले शून्य का लघुगणक सदैव ऋणात्मक और अपरिभाषित होता है। स्थिति चार कहता है एक बड़ी आधार वाले इसमें एक स्थिति है x हमेशा एक से बड़ा होना चाहिए, एक बड़ी आधार वाले x पर अपरिमित संख्या का लघुगणक धनात्मक और अपरिभाषित, इसमें भी कंडीशन है x से बड़ा होना चाहिए। चलिए यह वीडियो यहीं पर समाप्त होता है और अगले वीडियो में हम लघुगणक के प्रॉपर्टियों को जानेंगे।